जिसमें जो 17वां मैच है वीवो आईपीएल 2018 का, जिसमें हम बात करते हैं आज सेन वॉटसन के बारे में। तो हमारे साथ आज अली भी है। तो सेन वॉटसन इतने अच्छे बल्ले ऑलराउंडर है, इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं, बॉलिंग में भी इनका अच्छा प्रदर्शन रहा। आज ये क्या कर दिखाया है, जो 57 बॉल पे 106 रन पर 6 छक्के और 9 चौके लगाए हैं, इतने अच्छी बैटिंग की है, इनकी बैटिंग का तो लाजवाब है। तो क्या कहना है अली बबेरे की, राजस्थान रॉयल के सामने ही इन्होंने इससे पहले जो टीम थी इनकी राजस्थान रॉयल, जिसमें एक कैप्टन थे, इतना अच्छा इनका प्रदर्शन रहा था राजस्थान रॉयल में भी, और उनको निकाल दिया गया और उन्हीं के सामने मारा गया। जैसे क्रिस गेल की बात किया जाए तो इससे पहले क्रिस गेल ने अच्छा प्रदर्शन दिया, उसके बाद ये हाइएस्ट व्यू आईपीएल 2018 का हाइएस्ट स्कोर है। तो आपका क्या कहना है? कहना कुछ नहीं है। ये देखो, जैसे सबकी बोला जाता है कि शेन वॉटसन की उम्र हो गई, क्रिस गेल की उम्र हो गई, तो बता रहे हैं उम्र नहीं हुई है अभी तक। भले हाँ रनिंग में थोड़ी उनको दिक्कत हो रही थी लास्ट में, लेकिन फिर भी 57 बॉल में 106 रन जो मार सकता है वो प्लेयर कुछ भी कर सकता है। सेन वॉटसन एक पहले राजस्थान रॉयल में ही खेलते थे, उनका इतना अच्छा प्रदर्शन रहा, अपनी टीम को जिताए भी थे, इससे पहले भी सेंचुरी मारे थे राजस्थान रॉयल के लिए, 104 रन जो मारे थे, इतना अच्छा इनका एक भी मारा है उन्होंने, एक बार सेंचुरी मार चुके हैं, उनका इतना अच्छा स्ट्राइक रेट है 185 के, जो लास्ट में स्ट्राइक रेट इनका थोड़ा कम हुआ, और यह हर एक बॉलर को मारे, सिर्फ एक बॉलर को छोड़ के जो कि गोपाल है, तो हर बॉलर को 33, 35, 39, 38 और गोपाल जो कि 20 रन, वो भी सबसे ज़्यादा विकेट्स दिए, तो ये सबसे अच्छी बॉलिंग की है। और इन्हें आउट करने वाले लॉफली ने जो जॉर्ज बटलर ने कैच ले लिया, तो ये लास्ट में आउट हुए। तो क्या आउट होने का, क्या लास्ट में आउट हुए तो इसका क्या, तो ये जो काम करके गए हैं, हाँ ये जो काम करके गए, अगर मतलब चेन्नई सुपर किंग्स का वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है, अगर वो इसको डिफेंड नहीं कर पाया तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स को कोई हक नहीं है कि सेकंड राउंड में जा सके। हाँ ये बात तो आपकी सही है, लेकिन ये सेन वॉटसन एक अच्छे क्रिकेटर है और ऑलराउंडर है, जो कि हर CPL BPL सब में चलते हैं, और कैप्टन भी बहुत अच्छा है, कैप्टन भी बनते हैं, कैप्टनसी भी इनकी बहुत अच्छी है। तो ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि वीवो IPL 2018 में वीवो जो हाईएस्ट रन सेंचुरी मारे हैं, और सबसे कम बॉल पे, इससे पहले 63 बॉल पे क्रिस गेल ने मारा था, ये 57 बॉल पे, रोहित शर्मा भी 94 रन मारे, इससे पहले विराट कोहली, एंड्रयू रसल 88 रन मारे, तो सभी ने अच्छा किया, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर 106 रन, हाईएस्ट स्कोर चेंज हो रहा है, ऐसा ही गेम हो गया है। हाँ इससे पहले जो क्रिस गेल ने मारा था, क्रिस गेल ने 11 छक्के मारे थे, और यहाँ पे सेन वॉटसन ने 6 छक्के और 9 चौके लगाए, इससे पहले गेल ने सिर्फ 1 चौके लगाए थे। तो सेन वॉटसन एक बहुत अच्छी ऑलराउंडर है, और मेरे फेवरेट भी है सेन वॉटसन, क्योंकि मैं भी इनके जैसा ही रोल है, मेरा भी ऑलराउंडर। तो ये इतने अच्छे बल्लेबाज है, ओपनिंग करते भी है, और अपनी टीम को जिताएंगे, और ये इस मैच को अगर जीते चेन्नई सुपर किंग तो ये मैन ऑफ द मैच के हकदार होंगे। हारे तो भी इनको मैन ऑफ द मैच देना चाहिए। हाँ ये तो आपकी बात सही है, और ये हर एक बॉलर को मारे, अभी देखते हैं इनकी बॉलिंग में क्या अच्छा, इनका बॉलिंग में क्या प्रदर्शन रहता है। तो अब चेन्नई सुपर किंग को इन्होंने 204 रन बनाए, जिसमें इन्होंने 106 रन इनका ही रहा, मतलब आधे से भी ज़्यादा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।